दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है पानी में बिजली का उत्पादन कैसे होता है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जब हम सभी छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल कूदी मारा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि छोटे क्या, अभी तक बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि पानी के जरिए बिजली पैदा कैसे होती है। हालांकि ये चीज तो सभी जानते हैं कि बिजली पानी से बनती है, लेकिन कैसे बनती है ये शायद ही किसी को पता हो। क्योंकि दोस्तों हम जितनी आसानी से एक बटन दबाकर एसी कूलर की हवा ले लेते हैं, बिजली बनाना उतना आसान नहीं है। इसमें तरह तरह के टेक्निकल वर्क की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इसलिए दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि पानी से बिजली का निर्माण कैसे होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली इतनी ज्यादा जरूरी हो गई है कि इसके बिना हमारा कोई भी काम नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जंगल में तो रहते नहीं है जहां हम सभी प्राकृतिक चीजों से अपनी जिंदगी जी लेंगे। हमें इस दौर में हर एक कदम पर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, फिर चाहे वो हवा देने के लिए एसी, पंखा, कूलर क्यों ना हो, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, लैपटॉप या मोबाइल फोन, इन सभी को बिजली चला रही है। इसलिए अगर 5 मिनट के लिए बिजली चली जाए तो इंसान की हालत खस्ता हो जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा हर एक काम बिजली से चलता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी से पहले इलेक्ट्रिसिटी का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि अगर आप इतने एडवांस भी हो गए हैं कि आपका सभी काम रोबोट करेंगे तो उन रोबोट को चार्ज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो पड़ेगी ना। ऐसे में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कई सारे तरीके हैं। इससे कभी सूरज से जनरेट किया जाता है तो कभी हवा से, लेकिन जो तरीका सबसे ज्यादा यूज होता है वो है पानी, जिसे हम हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, और इसकी वजह से नदियों को रोककर बांध बनाया जाता है जिन्हें हम डैम कहते हैं। और इन्हीं डैम के जरिए हम पानी को न सिर्फ रोकते हैं बल्कि उसे बिजली बनाने के काम भी लेते हैं, और डैम के जरिए ही नदी के रुख को मोड़कर उन जगहों तक पहुंचाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये बात अच्छे से समझ लो कि पानी से बिजली बनाने में सबसे अहम भूमिका डैम ही निभाता है, जहां वो पानी के फ्लो को और ज्यादा तेज करके बिजली बनाने में सहायता करता है। डैम के अंदर मोटर की तरह दिखाई देने वाले टर्बाइन और जनरेटर लगे रहते हैं, और फिर पानी के फ्लोर को धीरे धीरे आगे की तरफ छोड़ा जाता है, जिस वजह से पानी बहता हुआ टरबाइन तक पहुंचता है, और इसी बहाव की वजह से टरबाइन घूमता है। दोस्तों जैसे जैसे पानी के फ्लो का इस्तेमाल करके हम टरबाइन को घुमाते हैं, वैसे जनरेटर को पावर मिलती है और फिर जनरेटर चलना शुरू हो जाता है, और जब जनरेटर चलता है तो ऑटोमेटिकली बिजली का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। दोस्तों अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हम आपको बता दें, जैसे जैसे पानी का फ्लो टरबाइन को घुमाता है वैसे वैसे टरबाइन घूमना शुरू होता है, और जब टरबाइन घूमता है तो उसी से पावर लेकर जनरेटर भी घूमना शुरू कर देता है, और तब जाकर जनरेटर के घूमने से बिजली का उत्पादन होता है। और ये जनरेटर और टरबाइन बहुत ज्यादा वाट के होते हैं, जो एक एक दिन में बहुत सारी बिजली जनरेट करते हैं। हालांकि दोस्तों आप लोगों ने छोटे जनरेटर भी देखे होंगे जो केरोसिन ऑयल की मदद से चलते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। इसी तरह अगर हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन जाने तो दोस्तों हम आपको बता दें, विंड एनर्जी में भी बड़े बड़े टर्बाइन लगे रहते हैं, जिनकी मदद से उन टर्बाइन में लगे पंखों को हवा के सहारे घूमने पर पावर जनरेट होती है, और वही पावर जनरेटर में आ जाती है, जिसके बाद जनरेटर बिजली का उत्पादन करता है। और दोस्तों इसी तरह जब कोई एनर्जी जनरेटर में जाती है तो जनरेटर इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हम बिजली का आनंद उठा पाते हैं। हालांकि इन सभी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट है, जिसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर पाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब ना तो हवा हर वक्त चलती है और ना ही इस पूरी दुनिया में हर जगह धूप मौजूद होती है, और कोयला भी लिमिटेड मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है वो पानी का ही है, क्योंकि हमारी दुनिया में पानी का विस्तार इतना ज्यादा है कि अगर उससे हम उसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहे तो लाखों साल तक कभी पानी खत्म नहीं होगा। ऐसे में इन्हीं सब चीजों को देखकर वैज्ञानिक इस तरह के टरबाइन और जनरेटर का निर्माण करने में लगे हैं जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहां हम पहले लालटेन और मोमबत्तियों का इस्तेमाल करके अपने घरों में रोशनी करते थे, वहां अब ये सभी चीजें जितनी रोशनी क्यों ना कर दे हमें अंधेरा ही लगता है। और अगर हम पंखे की बात करें तो पहले हाथ वाले पंखे ही चला करते थे,
वैसे पहले के समय में जब बिजली नहीं थी तो पंखों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वातावरण गर्म जरूर रहता था लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी नहीं होती थी जितनी आज होती है। इसी कारण लोग पहले के समय में बिना पंखे कूलर के रह लेते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी करना संभव नहीं है, खास करके शहरी इलाकों में जहाँ पर इमारतों की वजह से प्राकृतिक माहौल मिल पाना बड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से बिजली का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है, वरना बिना बिजली के आप खुद ही सोचिए क्या क्या हो जाएगा। बाकी दोस्तों अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।